तेरा बस चले तो तू दिन भर भौजी से लिपटा पड़ा रहे, है ना? मुझे कीला गाड़े बिना नींद ही नहीं आती। अच्छा, दिन में कि रात में? हैं? भौजी तुझे हर दिन इतने पकवान बना के क्यों देती है? बिना बनाए मानती ही नहीं, कहती है पकवान में भगवान है। ये पंडिताई तो मैंने पहले कभी नहीं सुनी। मैंने भी, तू हमेशा मना कर देता है, पर आज तुझे खाना पड़ेगा। इसे तुरंत हटा ले। क्यों? मैं नहीं खाऊंगा भौजी के हाथ का बना खाना। तू खाके तो देख, उसके हाथ में मोहिनी विद्या है। जानता हूँ, यही पकवान खिला खिला के तो उसने तुझे काट का उल्लू बना दिया है। अच्छा, कैसे? ये पकवान वो तेरे लिए नहीं, उसके लिए बनाती है जो तेरी पीठ पीछे तेरे घर में आके भोग लगाता है, भोजन का भी और भौजी का भी। तुझे ये बात कैसे पता? सारे गांव वालों को पता। वो ईर्ष्या के मारे कहते होंगे, उस जैसी सुंदर कोसों दूर तक देखने को भी नहीं मिलेगी। मैं घर जाकर तेरी भौजी से पूछूंगा कि मेरी पीठ पीछे कौन आता है। जो पहरी चोर से पूछे कि उसने चोरी की है तो चोर क्या हाँ कर देगा? हैं? गांव वाले सच्ची कहते हैं, तेरी बुद्धि भौजी की धोती में घुस गई है। धन्यवाद जो आपने मेरा न्योता स्वीकारा और इस निर्धन की कुटिया में पधारे। आपका ये उपकार मैं और मेरे पति कभी नहीं भूलेंगे। तुम्हारे पति? मैं जानती हूँ कि आप सोच रहे हैं कि मैं उल्टा हूँ, चरित्र की गिरी हुई हूँ, पर मैं जो कुछ भी कर रही हूँ अपने पति के लिए कर रही हूँ। पति के लिए? उन्हें मिथिला नगरी जाना था। मैं पंडित जी के पास शुभ मुहूर्त निकलवाने पहुंची। वो मेरी ओर अचरज से देखने लगे और कहने लगे, किस बात का शुभ मुहूर्त? तुम तो अधिक से अधिक एक मास में विधवा हो जाओगी। मेरे पैरों तले से धरती खिसक गई। मैं पंडित जी के पैरों में मूर्छित होकर गिर पड़ी। जब चेत आया तो पंडित जी ने सहानुभूति दिखाई, बोले, मृत्यु अटल है। मैंने पूछा, फिर सावित्री ने सत्यवान को कैसे बचा लिया? उत्तर दीजिए, आपको कोई ना कोई उपाय बताना ही होगा। मेरी हट देकर पंडित जी कहने लगे, वो सज्जुग था, त्रेताजुग का उपाय तुम जैसी चरित्रवान नारी के लिए संभव नहीं है। मैंने उनके पैर पकड़ लिए, बोली कि आप मेरे चरित्र को भाड़ में झोंकिए, मैं अपने पति को बचाने के लिए अपने प्राण दे सकती हूँ। बड़े सोच विचार के पश्चात वो बोले कि मुझे अपनी सुहाग की पूंजी का त्याग करना होगा, किसी पर पुरुष को एक रात्रि के लिए अपना पति स्वीकारना होगा, परंतु उसे ये बताना होगा कि मेरे साथ संभोग के पश्चात उसकी मृत्यु संभव है। अब बताओ अतिथि देवता, तुम्हारा क्या निर्णय है? हे देवी, चरित्र का बलिदान प्राण के बलिदान से कहीं अधिक महान है। तुम्हें शत शत प्रणाम। तुम्हें समाज की चिंता नहीं, तुम्हें उसकी नियम और प्रथा की चिंता नहीं, तुम्हें चिंता है तो केवल अपने पति के प्राणों की। देवी, मेरा वंश भी दूसरों के प्राण बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए प्रसिद्ध है। मैं भी अपने कुल को कलंकित नहीं होने दूंगा। मैं धन्य हो गया जो तुमने मुझे इस योग्य समझा। आओ, हमें अब देर नहीं करनी चाहिए, हम तुरंत तुम्हारे पति की लंबी आयु के लिए यज्ञ आरंभ करते हैं।